अभी हाल में ही गुजरात राज्य के विधानसभा चुनाव में वर्तमान सरकार विकास के नाम पर ही दोबारा चुनकर आई है, लेकिन आज भी गांव में शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। यूँ तो गुजरात के गांव निर्मल गुजरात के नाम पे घोषित है, पर यहां के गांव में कहीं निर्मलता दिखाई नहीं जाती। आज भी जो सायला तहसील है उसमें महिलाएं और बच्चे शौच के लिए खुले में जाते हैं और उसके कारण आसपास में गंदगी फैलती है और लोग बीमार पड़ते हैं। इतनी तकलीफ था ऐसे दिखाई उन्हें हाँ जवानी बहुत तकलीफ था ऐसे रात नहीं चिम बाहर निकलो आम में माना चिम बाहर निकलो रात नहीं तो रोड ना कांटे थे जय के ये खटारा नकरा निकलो संडा जाओ बेबी दिन अच्छा क्या जवान नो तो चांस है दिखाई रोज रात नहीं आओ नहीं हमारे रात हरे जाओ पड़े ये सब पानी तो ठीक पर ना संडा सुन चा वगड़ा मत थे चरमालिया बाजू जाए लो डबला ले लो સંડા જવા દેતા નથી આમ આગળ જઈ સંડા જવા તાર થાય છોકરા ને શા સંડા જવા લઈ જાવ છોકરા રોવે ના નામ ના ઉચા છે ના એવું નથી એ જો સંડા જાયું નથી અને અમે સ્વચ્છતા અભિયાન બાબતે શ્રી સરકારમાં પણ જાણ કરી લે પંચાયતમાં અવારનવાર રૂબરૂમાં મૌખિક રજૂઆત કરું છું છતાં આજ દિન સુધી વોર્ડ નંબર 18માં કોઈ જાતની સુવિધા મળતી નથી અને હું માથાકૂટ કરીને થાકી ગયો અને હવે પછી આ કામગીરી માટે મેં સરપંચને રૂબરૂ કહેતા કે થઈ જશે આવો આશ્વાસન મને આપ્યું છે છતાંય આ સ્વચ્છતા અભિયાનના નામે કાંઈ આજ સુધીમાં કાંઈ મને જોવા મળતું નથી। मैं इस मुद्दे को लेकर सभी और सरपंच के पास इस मामले को सुलझाने के लिए गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले को सुलझाने के लिए आप सभी का समर्थन जरूरी है, इसलिए सरपंच का नंबर है 8734930350। मैं हूँ नीरू राठौड़ इंडिया अनहर्ड से।